हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा। क्या आपको कभी बिना किसी कारण हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है और क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी ठीक नहीं होता? तो ऐसे स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ये समस्या हो सकती है। कैल्शियम शरीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि हमारे दांतों और हड्डियों में 99% कैल्शियम होता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां नाजुक और कमजोर हो जाती है, जिससे हड्डियां टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आइए जानते हैं शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे फल के रूप में खाया जा सकता है या फिर इसे पानी में उबालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तिल एक अच्छा उपाय है। एक टेबलस्पून तिल में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसे पीसकर पाउडर के रूप में भी खाया जा सकता है या फिर इसे सूप या सलाद में मिलाकर भी ले सकते हैं। दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। एक कप दूध में एक चम्मच भुने हुए तिल का पाउडर मिलाकर पिए। ऐसा दिन में 3 से 4 बार पीने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक ग्लास पानी उबाले, इसमें एक चम्मच जीरा मिला लें। ठंडा होने के बाद इसे चम्मच से चलाकर दिन में 2 बार पिए। ऐसा करने पर शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। एक ग्लास पानी में अदरक के 2 से 3 टुकड़े मिलाकर कुछ देर तक उबाल लें। अब इसे ठंडा होने पर छानकर इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर पिए। इससे भी आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। अश्वगंधा एक प्राचीन जड़ी बूटी है। यह अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए ये सहायक होती है। गुग्गुल एक आयुर्वेदिक औषधि है। लगभग 250 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक इसका नियमित रूप से सेवन करने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। दही में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। प्रतिदिन 1 कप दही खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। 1 कप दही में लगभग 250 से 300 mg कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए गिलोय की पत्तियों का सेवन करें। आप चाहे तो इन पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। केवल इसकी पत्तियां ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ और तने को सुखाकर भी इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी एक प्रकार का अनाज होता है, जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसका साबुत अनाज के रूप में या फिर आटे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिदिन 1 कप रागी खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो आज से इन चीजों का सेवन करना शुरू कर दें और आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करें, ताकि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहे। इसी के साथ कैल्शियम की कमी को दूर करने के घरेलू उपायों पे बना हमारा स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। क्या आप जानते हैं कि अस्थमा के उपचार के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों को भी अपनाया जाता है, जिससे उसकी रोकथाम संभव है? लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन से प्राकृतिक नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे हम अस्थमा का उपचार कैसे कर सकते हैं।